बण मल्ली आउ बण भितरे फुटी बणरे झड़ जाउनी बरं तार महकरे एबे सारा विश्व महकुछि। तबे ही बण मल्ली बणरे फुटी झड़िबा प्रपातटी भूल प्रमाणित होइछि कंधमाल जिला चक्कापाद गाँव पुलिस कनेस्टेबल संध्याराणी बेहरा निकटरे। कंधमाल जिला घंच जंगल घेरा अपहंच अंचल चक्कापाद गाँव निरीह झी संध्या पशम सूता कारुकार्य हाथर जादुगरी देखा सारा विश्व रेकर्ड सृष्टि करवल से नुहे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड करी ओडिशा तथा निज गाँ मटी आनी गर्व आउ गौरव। तबे यही वर्ल्ड रेकर्ड हासिल करथिबा महिला जनक ओडिशा रेलवे कार्यरत महिला कनेस्टेबल संध्या रानी बेहरा। घर कंधमाल जिला जंगल पहाड़ घेरा अपहंच अंचल चक्कापाद गाँव में। दर्शक बंधु घर तांकर कंधमाल जिला के उपांत अंचल चक्कापाद गाँव में घर पेशारे से जणे पुलिस चाकिरिया किंतु निशारे उल रे विभिन्न प्रकार से काम करती गिनीज वर्ल्ड बुक रेकर्ड रे आज ओडिशा स्थान पाई एवं से गिनीज वर्ल्ड बुक रेकर्ड रे निज ना से सृष्टि करिसेंदी एवं गिनीज वर्ल्ड बुक रेकर्ड पाई आर से हाथर जादुगरी केमिति कौन आम चलत जाठू पचार सी कह प्रत्येक कथा। मो ना संध्याराणी बेहरा मो घर कंधमाल जिला चक्कापाद ग्राम रे जोठी आपण समस्त जानिचंदी पूरा विश्व विख्यात लक्ष्मणानंद सरस्वती जोठी आश्रम आमे मो घर एक्चुअली सेठी आउ मो बाबा एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब करथिले किंतु आमे पूरा कंधमाल भी बुलीचु किंतु आमर प्राय समय मोर चक्कापाद रे ही कटिची। जेतले षष्ठ क्लास रे पाठ करथिली जीव देगिरी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रे सेठी सब टीचर माने उल कोटा धरिकी बुणी बुणे करंदी स्वेटर वगैरह जेहेतु आपण जानिचंदी कंधमाल जिल्ला रे बहुत ठंडा पड़े प्राय छः सात मास ठंडा पड़े मुसिक मो बाबा को कहे जे मुझे से कम करी तब बाबा कहते तो पाठ पढ़ा आग सरु कम्प्लीट तथापि मो बाबा पकेट जो मनी दिखती पांच टाइम दस टाइम मुझे उल आण की धीरे धीरे कम शिखी ता भितर मोर पाठ पढ़ा भी सर जाता ता भर बहुत किसी मुझे शिखी जाइली आम जन पी सिंह ठू। 2004 मसीहार से पुलिस चाकरी में पाद देते छोट बेलु संध्याराणी पशम सूतार हाथ बुणा विभिन्न प्रकार कलाकृति निर्माण में रुचि रखुले से ही कलाकौशल आज संध्या को सारा पृथ्वी में परिचय कराई आसतु जाणी संध्याराणी बेहरा सफलता शीर्ष केमी पहुंचले। मोर जो प्लस टू सर जाता प्लस थ्री चलता लक्ष्मणानंद सरस्वती जी जो पुलिस बहुत गुडा पोस्ट बाहर 2004 मुझे शिवरात्रि दीप लगे मंदिर बस जोटा कि विरूपाक्ष मंदिर गाँव में फेमस बाबा ड्राइवर को कहले ड्राइवर गाँव ये कौन दीप जल्दी या कहूनु पुलिस पक बाहरी पी 2004 मुझे कथ शुणी जा पुलिस पकईली कि प्रथम जो इंटरव्यू देखी प्रथम ही पाई जाती मो ड्यूटी बादे मुझे ये काम से भी जारी रखी थी जो ठंडा पड़ता से मार्केट में तो स्वेटर वगैरह मिल ना निज निज स्वेटर निज स्टाफ भी बनाऊ थी मो फैमिली बापा माँ भाई मोर तीन टा अच्छा भाई मुझे सब जिन बनाऊ धीरे धीरे है ट्रांसफर करके जीआरपी कटक को आसली ना या पूर्व भी मुझे जो बौद्ध पुलिस डेपुटेसन बौद्ध पुलिस सेठिकार जी एसपी थे से मिश्र गोटे एसपी ना कौन गोटे कि मिश्र मुझे भूलीगली ना से सार रिटायर्ड हो खोर्धार सीए मत प्रेरणा दिले कहले कि अरे यहाँ पुलिस वेलफेयर गोटे कंपिटन होते जा मत नहीं आसते सेठिकार आज जो पुलिस स्टाफ को लेकिन आसते मिसिक आसते से कंपिटन भाग नहीं सही राज्यस्तरीय थर्ड प्राइज पाई जाइली मैंने पुलिस डिपार्टमेंट थ्रु पेशारे से जणे पुलिस कनेस्टेबल निशा किंतु पशम सूतार सुंदर कलाकृति बनाइबा पशम वस्त्र ठारु आरंभ करी घर सजासजी भली सबु प्रकार जिनस तयारी करंती संध्या पुलिस चाकरी समय परे भारत बर्षर केतेक स्थान को जाई सेठारे पशम सूतार डिजाइन तालीम नहीं आसीथिले। तबे केमिति से वर्ल्ड रेकर्ड हासिल करिछंती आसंतु शुणिबा तांको जानवे आम उत्तराखंड जो आदिवासी लोक मैं ये काम बहुत करती मुझे पाख भी बहुत थर जा बड़ दुखर कथा जो काश्मीर आप जानते हो पुलवामा जोटी की लोक जीवाक ना शुणिले डरती मुझे जास मस धरिकी से रहीकि ये कम जेहेतु से आगुरी ये कम जानी ना
ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି କାମ ଶିଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଶିଖେଇଛି। ମାସ ମାସ ଧରି ମୋତେ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଫୋନ କରିକି, ସେଠି ତମକୁ ଡର ଲାଗେନି ପୁଲୱାମାରେ ଯେ ମାନେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହେ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ନଟରାଜନ ଯିଏ ଜଣେ ହାଉସ ୱାଇଫ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରଚେଟ କୁଇନି, ଯିଏକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ କେମିତି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିଛି କାମ ଏ ଉଲେନ କାମ କରିକି ଦି ପଇସା ପାଇବେ, ସିଏ ସେଇ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲେଡି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି, ୟାର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ ଲିଡର ଯିଏ ଥିଲା ଅଂଶୁ ମଲାନୀ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବଡ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିଏ ଏମ୍ଏସ୍ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଚର କୁଇନ୍ର ସିଏ ମାନେ ଥିଲେ, ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନଟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁ ମଲାନୀ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଲ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଂଶୁ ମଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମର ଏମିତି କ୍ରାଇଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ତମେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛ ତମର ବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆମର ବି ସେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମକୁ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମ ତମେ ଆମ ଏମ୍ଏସ୍ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରଚେଟ କୁଇନ୍ରେ ରହିଲେ ତମେ ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ। ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲର କିଛି ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, 360 ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ବହୁତ ଜଣ କରିଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ କଟି ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନଟରାଜନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ବାଛିକି ହିଁ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଇନଥିଲେ। ମାନେ ମୋ ଛୁଆବେଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ପାଏ ଉଲ୍ କାମ କରିକି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ କିଛି ତ କୋଉଠି ଆୱାର୍ଡ ନେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଲିଗାଲ, ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାମ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, ଜଣେ ଲେଡି ଆରାମସେ ଘରେ ବସି କରିପାରିବ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ କରିପାରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଜିନିଷ ଉଲ୍ ମଗେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, କିଛି ମାନେ ନିଜସ୍ୱର କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କାମ ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।